कसरावत विधायक सचिन यादव ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की। जनप्रतिनिधियों के साथ पहुंचे विधायक ने पिपलगोन के जर्जर मार्ग दुरुस्तीकरण के साथ महेश्वर हाइड्रल प्रोजेक्ट निरस्त होने के बाद करीब 6 से अधिक पंचायतों में रुकी विकास कार्य शुरू करने की मांग की है। विधायक ने बताया कि भटियान, अमलाथा आदि गांवों में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जबकि पंचायत के पास लाखों रुपए की राशि है जो रोग के कारण खर्च नहीं की जा रही है। इसके अलावा विधानसभा के मुक्ति धामों पर सुविधाओं की मांग की है। कलेक्टर ने सभी मांगों के निराकरण का भरोसा दिया है। हमारे कसरावत विधानसभा क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याएं थी, उनको लेकर के आज आदरणीय कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई है। सभी हमारे सम्मानित साथीगण जो हमारे साथ में थे, सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो विषय था, हमारा कसरावत से पीपलगोन हमारा जो मार्ग है, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और लगातार हम और हमारे तमाम साथी उस रोड के लिए हम लोग जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार सभी साथी मिल करके उसकी आवाज़ को उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैंने भी कई बार जो है संबंधित अधिकारियों को, विभाग के लोगों को मैंने पत्रचार समय समय पर मैंने किया है। यहाँ तक कि विधानसभा में भी जो है हमने प्रश्न लगाया था और उसी का परिणाम था कि यहाँ के जिले के अधिकारियों ने प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा है, लेकिन इतना लंबे समय गुजरने के बाद भी उस रोड की निर्माण को लेकर के किसी प्रकार की मंजूरी या उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इस दिशा में कोई भी कदम जो है सरकार की द्वारा उठाते हुए नहीं दिखाई दिया जा रहा है। और इसीलिए आज हम सभी साथी जो है यहाँ पर जो है माननीय कलेक्टर साहब से मिलकर के उनको हमारे इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के अवगत कराने के लिए हम लोग सब साथी आए हैं। आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों का आवागमन जो है आवागमन बहुत दुर्बल हो गया है, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर सभी साथी आए हैं। साथ साथ हमारी गांव की, हमारे क्षेत्र की कसरावत जनपद की हमारी लगभग 3 पंचायतें हैं, अमलाथा पंचायत, हमारी भट्टियान पंचायत और हमारी लेपा पंचायत। ये पंचायतों में पंचायतों के खातों में राशि होने के बावजूद भी वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं का काम नहीं किया जा रहा। निर्माण कार्य जो है वो निर्माण कार्य जो है नहीं हो पा रहे हैं और एक बड़ी राशि वहाँ पर जो पड़ी हुई है उसको लेकर भी हम लोगों ने आज चर्चा करी है।